गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू द शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस किड्स। आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई एम गोइंग टू टेक हिंदी लिटरेचर क्लास। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लिटरेचर में पार्ट 7 लाल छतरी के विषय में पढ़ाया था, समझाया था और उसके अभ्यास कार्य भी बुक में कराए थे। तो आज मैं आपको कॉपी वर्क कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक ओपन करेंगे, उसमें हेडिंग डालेंगे पार्ट 7, पाठ का नाम लाल छतरी, और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कठिन वर्तनी, और स्केल के हिसाब से 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। पहला कठिन वर्तनी है अकेले, दूसरा है बारिश, तीसरा है मेढक, चौथा है छलांग, पांचवा है टर्टल, छठा है जुकाम, सातवा है तबीयत, आठवा है कोशिश, नाइन नंबर में है बुढ़िया, और 10 नंबर में है छतरी। तो ये आपके क्या पूरे हो गए हैं? कठिन वर्तनी पूरे हो गए हैं। ये मैंने आपको 10 कठिन वर्तनी लिखवाए हैं। इसे देखकर आपको 2 बार और सुंदर हैंडराइटिंग में करना है, ये आपका होमवर्क है। अब मैं आपको आगे शब्दार्थ कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे, अगर उसी पेज में स्पेस है तो वहीं पर हेडिंग डालेंगे, नहीं तो नए पेज में हेडिंग डालेंगे। शब्द अर्थ, क्या हेडिंग डालेंगे? शब्द अर्थ। नंबर 1 है अकेले, इसका अर्थ है बिना साथी के, बिना साथी के। फिर है नंबर 2 छलांग, इसका अर्थ है कूदना। फिर है नंबर 3, इसका अर्थ है टर, ये शब्द है, इसका अर्थ है मेढक की आवाज। उसके बाद है नंबर 4 जवाब, का अर्थ है उत्तर। नंबर 5 है जल्दी से, इसका अर्थ है तुरंत। नंबर 6 है कोशिश, इसका अर्थ है प्रयास। तो ये आपके शब्दार्थ, 6 शब्दार्थ हैं जो कि पूरे हो गए हैं। तो आपके शब्द 6 हैं, ये आपके कंप्लीट हो गए। अब आप इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे मौखिक अभिव्यक्ति। क्या हेडिंग डालेंगे? मौखिक अभिव्यक्ति। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, दूसरी हेडिंग डालेंगे नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और फिर हेडिंग फिर डालेंगे प्रश्न का, प्रश्न का है मेढक टर्टल कब गाने लगता है, मेढक टर्टल कब गाने लगता है।
इसका उत्तर है बारिश शुरू होते ही मेंढक टर्टर गाने लगता है। ये आपका प्रश्न का है, प्रश्न का हो गया है। अब आपको मैं प्रश्न खा कराने जा रही हूं। प्रश्न खा है, छतरी ने किस किस को बारिश से बचाना चाहा? छतरी ने किस किस को बारिश से बचाना चाहा? तो उसका उत्तर है, छतरी ने मेंढक मोर बच्चे तथा बुढ़िया को बारिश से बचाना चाहा। ये आपका प्रश्न का भी पूरा हो गया है। अब मैं आपको प्रश्न का करा रही हूं। प्रश्न का है, मोर किसे देखकर नाचने लगता है? मोर किसे देखकर नाचने लगता है? इसका उत्तर लिखेंगे, मोर काले बादलों को देखकर नाचने लगता है। मोर काले बादलों को देखकर नाचने लगता है। उसके बाद है मौखिक अभिव्यक्ति का आखिरी प्रश्न, प्रश्न घा। बूढ़ी माँ क्या देखते ही खुश हो गई? बूढ़ी माँ क्या देखते ही खुश हो गई? इसका उत्तर लिखेंगे, बूढ़ी माँ छतरी देखते ही खुश हो गई। बूढ़ी माँ छतरी देखते ही खुश हो गई। तो ये आपके मौखिक अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर पूरे हो गए हैं। आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।